दोस्तों गेमिंग हेडफोन का माइक को यूज़ कैसे करते हैं, गेमिंग हेडफोन का माइक को सेटअप कैसे करते हैं अपने पीसी पे, इस वीडियो में हम लोग देखने वाला हूँ। इसी माइक को कैसे अपने यूट्यूब में वॉइस सर्च के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप इसी माइक को यूज कर सकते हो और कैसे आप सेटिंग कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग देखने वाला हूँ। और वैसे दोस्तों यहाँ पर जो भी सेटअप है, सेटअप करना काफी सिंपल है। यहाँ पर जो भी दोनों जैक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो लाइट जल रहा है, लाइट जलने के लिए दोस्तों आपको एक यूएसबी जैक यहाँ पर रहता है जो कि कुछ इस टाइप का, और इसके साथ यहाँ पर आपको माइक को यूज करने के लिए इस तरह का जो कि ऑडियो जो जैक होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर गेमिंग हेडफोन का माइक को यूज करने के लिए आपको पीसी में कौन सा वाला जैक में आपको लगाना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा गेमिंग हेडफोन का ऑडियो जैक। अभी दोस्तों माइक को यूज करने के लिए, यहाँ पर इसी माइक को यूज करने के लिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पीसी में, और पीसी के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तीन जो कि जैक आपको देखने को मिल जाता है। तीन जैक के अंदर आपको अगर माइक को यूज करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो रेड टाइप का जो कि जैक होता है यहाँ पर हम लोगों को लगा देना है। मैं फटाफट इसी जैक में लगा देता हूँ। अभी दोस्तों अपने कंप्यूटर में एक सेटिंग करना है, तभी दोस्तों ये जो माइक है अपने गेमिंग हेडफोन का माइक है आप यूज कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों आप देखेंगे गेमिंग हेडफोन में इस तरह का अगर आपके बटन दिया गया है तो गाइस यहाँ पर दो चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक तो है एक माइक का ऑप्शन है जो कि माइक का कटा हुआ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि एक चित्र है, और यहाँ पर बिना कटा हुआ चित्र है। तो गाइस यहाँ पर जो बटन है इसी बटन को सिंपली हम लोग को यहाँ पर कर देना है, इस साइड में कर देना है। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पर आपको देख के ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ से देने में जो माइक वर्क करेगा, और इस साइड में माइक करने से जो कि यहाँ पर जो माइक है वर्क नहीं करेगा, ऐसा जो कि हम लोग को देख के समझ में आ रहा है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर इस साइड में कर देना है, और गाइस इस साइड में जो कि यहाँ पर रूलर टाइप का है जो कि यहाँ पर जो भी हम लोग स्पीकर में जब सुनता हूँ तो गाइस उस टाइम पे ये जो है साउंड को बढ़ाने या कम करने के लिए जो कि हमको मदद करता है। अभी दोस्तों आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक सेटिंग करना है, तो गाइस यहाँ पर एक सेटिंग है जो कि आपको करना पड़ेगा। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर स्पीकर के एक ऑप्शन आप देखेंगे, स्पीकर का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन ओपन है, मैं स्पीकर का ऑप्शन को लगा देता हूँ। ये रहा मेरा स्पीकर जो कि मैं यहाँ पर मिडिल पे लगाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है माउस के। राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन साउंड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन साउंड सेटिंग पे हम लोग को क्लिक कर देना है। इसमें जैसे ही हम लोग क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक साउंड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पर इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है। इनपुट का ऑप्शन के अंदर यहाँ पर चॉइस योर इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अपना हेडफोन का जो भी माइक है, माइक को हम लोग को यहाँ पर हम लोग को सिलेक्टेड करना है। तो गाइस एक नाम यहाँ पर लिख के आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ पर लिख के नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी नाम लिख के नहीं आ रहा है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो लेकिन यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग को नीचे मैनेज साउंड डिवाइस जो ऑप्शन है इसमें हम लोग को क्लिक कर देना है, और जो भी ऑप्शन है हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैनेज साउंड डिवाइस में हम लोग यहाँ पर क्लिक किया हूँ। इसमें क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देखेंगे इनपुट डिवाइस का जो ऑप्शन है, नीचे आप देखेंगे जो भी माइक अपने पीसी से लगा हुआ है वो माइक का सभी नाम आपको यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों मेरे केस में यहाँ पर दो माइक यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर में है यूएसबी कंडेंसर माइक जो कि ये रहा यूएसबी कंडेंसर माइक, अभी ये पीसी में लगा हुआ है। इसके साथ ये रहा गेमिंग हेडफोन का जो माइक है, इसी माइक का नाम भी यहाँ पर आ रहा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोफोन रियल टेक। तो गाइस इसी ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग को इनेबल करना है। माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे सबसे पहले, और इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पर इनेबल का एक ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों इनेबल में हम लोग को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देखेंगे रियल टेक जो ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, इनपुट डिवाइस के नीचे यहाँ पर आ जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग को यहाँ से एक बार बैक कर देना है। दोस्तों टोटल मैं ऐसे बैक कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे इनपुट के जगह पे दोस्तों आप यहाँ पर जो यहाँ पर माइक्रोफोन रियल टेक जो ऑप्शन है अभी यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर इनपुट के जगह पे अपना गेमिंग हेडफोन का जो माइक है हमने यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अभी नीचे भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो माइक का भी ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर माइक चालू हो चुका है। ओके दोस्तों अभी मान लीजिए यहाँ पर गेमिंग हेडफोन का जो भी माइक का साउंड का अगर आपने टेस्ट करना चाहते हो क्या यहाँ पर लाइन आया है या नहीं, तो गाइस इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इनपुट के नीचे ही, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो कि ऊपर में आप देखेंगे डिवाइस प्रॉपर्टी। तो गाइस यहाँ पर जो डिवाइस प्रॉपर्टी जो ऑप्शन है, यहाँ पर डिवाइस प्रॉपर्टी ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक
कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो इसी माइक का वॉल्यूम को कम या ज्यादा आप कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर 100 ही कर देता हूँ। इसके साथ अगर आप स्टार्ट टेस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करते ही फिर भी दोस्तों आप यहाँ पर जो भी माइक है इसको आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे दोस्तों इसको मैं थोड़ा टच कर रहा हूँ, फिर भी देखिए दोस्तों थोड़ा यहाँ पर टचिंग टाइप का हो रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं इसको रख रहा हूँ, यहाँ पर अप डाउन जो कि हो रहा है। अभी दोस्तों फाइनली यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अभी दोस्तों इसी पेज को हम लोग कट कर देता हूँ। अभी दोस्तों टोटली अपना जो भी हेडफोन का माइक है यहाँ पर अपना पीसी पे सेटअप हो चुका है। कुछ हिसाब के हम लोग को सेटअप करना है। अभी दोस्तों मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पे जाना है, यूट्यूब को ओपन करके कोई वॉइस सर्च करना है, तो गाइस इसी माइक से ही मैं वॉइस सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर से, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यूट्यूब ओपन हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर माइक में क्लिक करूंगा और माइक में क्लिक करने के बाद बताऊंगा हेलो गाइस हेलो हेलो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हेलो गाइस हेलो हेलो बताया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो गाइस हेलो हेलो भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर हेडफोन का जो भी माइक है यहाँ पर वर्क कर रहा है। अभी और एक बात ये है कि यहाँ पर तो यूट्यूब में वर्क कर रहा है, वॉइस सर्च में वर्क कर रहा है अपना गेमिंग हेडफोन का माइक, ठीक है। अभी दोस्तों आपको मैं लाइव प्रूफ भी दिखाया, और देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पर यूएसबी कंडेंसर माइक है। इसको मैं ओपन कर देता, इसको खोल देता हूँ। अगर आपको लग रहा है नहीं इसी माइक से साउंड को जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको मैं ओपन कर दिया। अभी मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा गूगल पे, मैंने माइक का ऑप्शन में क्लिक किया हेलो गाइस हेलो हेलो। तो गाइस देखो दोस्तों यहाँ पर हेलो गाइस हेलो हेलो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया हो, फिर भी यहाँ पर गूगल पे भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वॉइस सर्च में ये जो माइक है वर्क कर रहा है, और वर्क भी करना चाहिए दोस्तों गेमिंग हेडफोन का माइक। अभी दोस्तों अगर बात करते हैं मेरे डिवाइस में, और एक चीज है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहूंगा यहाँ पर OBS स्टूडियो को ओपन करके, यहाँ पर मैं इसी माइक को अगर मैं यूज करना चाहूंगा, तो गाइस यहाँ पर इसी माइक को वर्क नहीं करता है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ऑडियो इनपुट जो कैप्चर ऑप्शन में इसमें मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर डिफॉल्ट का जो ऑप्शन है, डिफॉल्ट का ऑप्शन पे यहाँ पर जो माइक्रोफोन रियलटेक को मैं सिलेक्टेड करूंगा, ओके में क्लिक करूंगा, और यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे मैं क्लिक करूंगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर बता देता हूँ हेलो गाइस हेलो दोस्तों नमस्कार, और एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर इसी माइक में बताया हूँ, कुछ मैंने पर बताया हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्डिंग को मैं अगर मैं स्टॉप करूंगा, स्टॉप करने के बाद इसी रिकॉर्डिंग को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी साउंड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो OBS स्टूडियो में ये जो माइक है, ये माइक मेरा रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस उसके लिए दोस्तों मेरे को यहाँ पर USB कंडेंसर माइक मेरे को यूज करना पड़ता है, और ये गेमिंग का माइक सिर्फ यहाँ पर जो वॉइस सर्च होता है, जो भी यहाँ पर गूगल सर्च या तो क्रोम ब्राउजर पे जाके यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करके जो भी सर्च करता है, तो गाइस उस टाइप में मेरे को यहाँ पर ये जो माइक है वर्क करता है। लेकिन अपना वॉइस अगर हाई क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करना है तो दोस्तों USB कंडेंसर माइक को मेरे को यूज करना होता है, ना कि इस हेडफोन का गेमिंग हेडफोन का माइक उतना काम पे मेरे को नहीं आता है। लेकिन दोस्तों अच्छा क्वालिटी के लिए मेरे को यहाँ पर USB कंडेंसर माइक काफी अच्छा खासा रिकॉर्ड करके देता है, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है मेरे केस में यहाँ पर अपना गेमिंग हेडफोन का माइक उतना पावरफुल नहीं है, हो सकता है आपके गेमिंग हेडफोन का जो भी माइक है वो पावरफुल हो सकता है अगर वो काफी हाई रेंज का है, या तो कंपनी ने वहां पर बहुत ही अच्छा खासा आपको माइक का अगर आपको दिया है, तो वैसे एक बार आप जरूर से जरूर चेकआउट करके आप देख सकते हो। और मेरे को दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हेडफोन का माइक अच्छी से रिकॉर्ड हो पाता है या नहीं, या तो मेरे तरह यहाँ पर वॉइस सर्च के लिए ही सिर्फ वर्क करता है। तो दोस्तों जो भी सेटअप था कुछ इस टाइप का ही सेटअप आप काफी आसान से आप कर सकते हो, सिर्फ दोस्तों गेमिंग हेडफोन का माइक नहीं, आप चाहे तो कोई भी USB कंडेंसर माइक या तो कोई भी अदर्स माइक को भी आप इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी सच्चाई है फुल एक्सप्लेन किया हूं आपके साथ, जितना हो सके मैंने आपके साथ शेयर किया हूं। तो दोस्तों उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आएंगे, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्टार्ट ग्रुप, चाहे तो ऊपर भी मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।